कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पावागढ़। Hey guys, good morning. Welcome to our channel चंद्रेखा एंड कृष्ण। अभी बजे हैं 5:45 और अभी हम जा रहे हैं पावागढ़ और यहाँ से नजदीक ही है। यहाँ से 120-125 किलोमीटर जितना दूर है। हाईवे से भी जा सकते हैं और बीच में से भी जा सकते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाईवे से ही चलेंगे। और लास्ट ईयर गए थे, बहुत टाइम हो गया है। तो कब से सोच रहे थे कि जाना है, तो फाइनली आज डिसाइड किया। हम सब लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा, कृष्णांग, मैं और रेखा। आ गया मेरा छोटा बेबी। हाय कृष्णांग, कैसी ठंड है बेटू? बहुत ठंडी। और ठंड बहुत ज्यादा है अभी। आज मम्मा ने स्वेटर नहीं पहना और मम्मा ने स्वेटर नहीं, अभी मम्मा जैकेट पहनने वाली है। आज हुआ है 30 जनवरी। एक वीक से बहुत ज्यादा ठंड है, लग रही है। और समर भी नहीं आया अभी तक। हाँ, अभी तक समर नहीं आया। और अभी इसलिए जा रहे हैं कि ठंडी में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी अंधेरा है, सुबह के 5:45 के आसपास हुआ है। चलो मिलते हैं आगे, ठंड लग रही है। मैं घर में जाती हूँ, जैकेट पैकेट पहन लेती हूँ। चलो मिलते हैं। चलो। हाय कृष्णांग। हाय। क्या कर रहा है बेटा? देख रहा हूँ। क्या देख रहा है तू? सब। ये सब। अरे पावागढ़ कितना दूर है पता नहीं। बस हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं अभी। गोधरा होके, हालोल होके पावागढ़ जाने वाले। बीच में से भी जा सकते हैं, देवगढ़ बारिया वाला रूट, बट वो इंटरनल रास्ता है तो पता नहीं रास्ता अभी कैसा होगा। बहुत टाइम से उस रास्ते पे नहीं गए तो अंदर नहीं जाना, डायरेक्ट हाईवे टू हाईवे चले जाते हैं। तो बस ठंडी लग रही है तो सब चुपचाप बैठ गए। मुझे नहीं लग रही। हाँ, उसे तो नहीं लगती, उसको तो घर पे भी नहीं लगती है ना कृष्ण को तो। पर आज वो आज लगी। तो चलिए मिलते हैं आगे। गाइज अभी बजे है 6:14 और हम सुबह में जल्दी निकले हैं। दाहोद सिटी से बाहर आ चुके हैं, अब हम हाईवे ले लेंगे गोधरा वाला। तो यहाँ से गोधरा, ये रास्ता बहुत अच्छा है। ये गोधरा इंदौर हाईवे है तो रास्ता सच में बहुत अच्छा है। पहले ये रास्ता सिंगल हाईवे ही था, कब की बात? 2009-10 की 11 तक मैंने जब बीएड किया था तभी भी ऐसा ही। रेखा गोधरा स्टडी कर रही थी तो वो बस में अप डाउन करती थी तब। तब भी ऐसा था, दो कलाक होते थे गोधरा जाने। तो अभी तो गोधरा 1 घंटे में करीबन पहुंच ही जाते हैं, बस से भी पहुंच जाते हैं। हाँ, इवन बस से भी हम पहुंच सकते हैं। देखिए गाइस, चंदा मामा अभी कितने बजे गए? हम 6 बजे निकले थे, आधा घंटा आगे आए हैं, अभी भी अंधेरा ही है। बस हम लोग गोधरा पहुंच गए हैं, यानी गोधरा बाईपास पे। अगर यहाँ से राइट जाएंगे तो हमारे गांव साइड जा सकते हैं, गांव ही जा सकते हैं। अभी हम पावागढ़ जा रहे हैं तो लेफ्ट लेंगे यानी बरोड़ा वाला रास्ता। चलो। तो चलो ये वाला रास्ता शामड़ा जी बरोड़ा वाला हाईवे है और यहाँ से पावागढ़ 47 किलोमीटर सामने लिखा हुआ है, तो करीबन 1 घंटा लगेगा। तो चलिए। हाय हाय, क्यों बैठे हो? ठंड लग रही है। कृष्ण कहाँ आ गया? कृषि दादा की गोदी में बैठा है। ठंड लग रही है बेटो? उसको तो नहीं लगी। तो गाइज अभी सब लोगों को फ्रेश होना था तो यहाँ पे रास्ते पे ही खड़े हैं। यहाँ से आगे 30-40 किलोमीटर जाना है तो हम पहुँच जाएंगे। देखिए सूरज दादा निकल आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है पीछे। और हम यहाँ पे एक जगह खड़े हैं, कृष्ण को नीचे उतरना था तो इसीलिए हम नीचे उतरे थे। और चलिए जल्दी जाना है तो सुबह सुबह में ऊपर चढ़ पाए और गर्मी नहीं लगेगी। वैसे भी ठंड ही है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी चढ़ने में, तो गर्मी होती तो प्रॉब्लम रहता है बट ठंड में तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो इसी टाइम पे जाते हैं पावागढ़। तो चलिए आपको आगे मिलते हैं।
देखो सब लोग कैसे ठंडी में बैठे हैं, चद्दर ओढ़ लिया है और आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सच में बहुत ठंड है। तो देखो रेखा कैसे बैठी है। चलो लेट हो जाएंगे तो चलो मिलते हैं आगे, चलो निकलना है। तो बस गाइस हम लोग पहुंचने ही आए हैं, पास ही आ चुके हैं वैसे तो अभी नीचे ही है। और अब नीचे से माची तक गाड़ी हम फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेके जा सकते हैं, तो हम गाड़ी ऊपर ही लेके जाएंगे। मैं बहुत बार आया हूँ तो गाड़ी नॉर्मली ऊपर ही लेके जाता हूँ। और इस साइड डूंगर है, हाँ जो पावागढ़ है, जो कृषांग अभी वीडियो में तो नहीं आ रहा बट कृषांग को पावागढ़ दिख रहा है तो वो बोल रहा है बहुत बड़ा है बड़ा है। और इधर से बड़ा दिख रहा है हाँ दिख रहा है। तो ये जो पर्वत दिख रहा है वो पावागढ़ है और बड़ा सा है, हाँ बहुत बड़ा सा है, पर गिरनार से छोटा। हाँ गिरनार से बेटा छोटा है, इधर से हम पास आ चुके हैं ना बेटा, तो इसकी वजह से आपको बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है ना बड़ा? हाँ बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिख रहा है कि नहीं? कृष्ण चढ़ जाएगा? यस मैं तो चढ़ जाऊंगा, लास्ट टाइम आया था तो चढ़ गया। हाँ सच बोल रहा है कृष्ण, लास्ट टाइम हम आए थे तब वो चढ़ ही गया था। और नीचे आएंगे तब हम रोपवे से जाएंगे। हाँ नीचे आना है तो हम रोपवे से आ जाएंगे। मैं डरा नहीं था। हाँ कृष्ण नहीं डरा था तब, पर गिरनार में डर गया था रोपवे। गिरनार बहुत बड़ा था और ऊंचा था तो कृष्ण डर गया था। बस तो ये आप लोगों को गेट दिख रहा है, दैट मीन्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं। और इधर देखो से दिखा बड़ा सा दिख रहा है, अब नियर आ गए हैं तो हम बड़ा बड़ा दिख रहा है अभी। हाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पावागढ़ और बस यहाँ से अब हम मांची तक गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो मैं गाड़ी लेके ही जाने वाले हैं। हम लोग नीचे भी पार्क कर सकते हैं बट ऊपर लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पावागढ़ का पूरा दर्शन आपको इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और पावागढ़ का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एज वेल एज आप आई बटन में भी क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं।